बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जर्नल अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2015 ईयर है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अक्टूबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹300,000। ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में कैश की फॉर्म में। तो बेटा सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैसर्स कंपनी नाम ऊपर मेंशन करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो ABC भी लिख सकते हैं। जर्नल अक्टूबर और कॉलम्स मेंशन कर दिए। उसके बाद हमने बेटा डेट कॉलम में डेट मेंशन करनी है 2015 अक्टूबर 1। तो बेटा सबसे पहले ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की कैश की फॉर्म में, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश इंक्रीज इन एसेट और कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी भी हम इस कैपिटल को बोलते हैं। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद हमने इसकी ड्यूरेशन मेंशन कर दी, ऑनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल, उसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा अक्टूबर 5, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। आपने गुड्स परचेज की हैं नवीद से, नवीद आपका सेलर है, 30,000। बेटा ये आपने क्रेडिट पर परचेज किए हैं, ये आपने क्रेडिट पर परचेज किए हैं गुड्स। तो आपने सबसे पहले डेट कॉलम में डेट मेंशन कर देनी है और उसके बाद गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट होगा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस की वजह से, और उसके बाद नवीद अकाउंट क्रेडिट होगा जिससे आपने चीज़ें खरीदी है, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, परचेजेस अकाउंट टू नवीद अकाउंट। उसके बाद ड्यूरेशन मेंशन की, अकाउंट को क्लोज किया, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 10, गुड्स रिटर्न टू नवीद। बेटा अभी जो आपने गुड्स परचेज की थी वो आपने नवीद को रिटर्न कर दी, यानी गुड्स खरीदी हुई वापस कर दी, जिसे हम परचेजेस रिटर्न का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, परचेजेस आपका इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है और जब गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो ये आपका परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस को शो करता है, ठीक है। और सेकेंड अकाउंट नवीद होगा, अब यहाँ पर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगी। तो हम पहले डेट कॉलम डेट मैंशन करते हैं और अकाउंट मैंशन करते हैं। बेटा नवीद अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि बेटा लायबिलिटी अब आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि 1,000 अब आपने उसे देने नहीं है। क्यों? अब आपने उसको चीज़ें ही वापस कर दी, इसलिए 1,000 आपकी लायबिलिटी डाउन होगी और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। और सेकंड क्रेडिट करेंगे परचेजेस रिटर्न। अब गुड्स रिटर्न की हैं आपने तो आपका एक्सपेंस भी डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन मेंशन कर देंगे, गुड्स रिटर्न टू नवीद अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, विदड्रॉ कैश फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। बेटा आपने बिजनेस में से कैश विदड्रॉ किया है, जो ऑनर है बिजनेस का उसके चिल्ड्रन की फीस, ट्यूशन फी पे करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेटा, ऑनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, लेकिन ऑनर जब अपने बिजनेस में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे विदड्रॉ करता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स बेसिकली डिक्रीज इन कैपिटल को ही शो कर रहा होता है, डिक्रीजिंग कैपिटल, क्योंकि वो जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, अब उसने वही पैसे उन पैसों में से कुछ पैसे विदड्रॉ कर लिए, तो ये डिक्रीजिंग कैपिटल को भी शो करता है। और डिक्रीजिंग कैपिटल हमेशा याद रखिएगा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का वर्ड मेंशन नहीं करेंगे बल्कि हम ड्राइंग्स का वर्ड मेंशन करेंगे। इन्वेस्ट जब भी करेगा तो कैपिटल लिखना है और विदड्रॉ जब भी करेगा तो ड्राइंग्स लिखना है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बेटा सबसे पहले डेट और डेट के बाद हम पहला ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट यानी आपकी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या आप विदड्रॉ करवा रहे हैं बेटा, कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, यानी बिजनेस का एसेट अब डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट आपकी एंट्री आ जाएगी, विदड्रॉ कैश फॉर ऑनर चिल्ड्रन, ये उसकी ड्यूरेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग परचेज फॉर कैश ₹1,20,000। आपने बिल्डिंग परचेज की है, सिंपल इज दैट, आपने जो चीज़ परचेज की उसका नाम आ जाए तो वो आपका एसेट होता है और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। तो अक्टूबर 20 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश पर परचेज की, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन एसेट डेबिट बिल्डिंग और डिक्रीज इन एसेट कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, परचेज बिल्डिंग बल्कि ड्यूरेशन लिखें, उसके बाद हम दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे। तो टोटल आया 4,52,000 बोथ साइड पर। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।